टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोबाइल के लिए चाकू मार कर आज़ाद उमेद अली खान की जान ले ली गई है। आरोपी मोहम्मद जमाल रईस खान को डायघर पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला दहिसर पिंपरी के बाबा चावल का है। डायघर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज़ाद उमेद अली खान सुबह शौचालय गए थे और वहां पर अपना मोबाइल फ़ोन भूल गए। थोड़ी देर बाद जब आज़ाद को अपने मोबाइल का ख्याल आया और इसी दौरान उसी बाबा चौल में रहने वाले मोहम्मद जमाल रईस खान के घर जाकर आज़ाद ने पूछा कि क्या मेरा मोबाइल आपको मिला है। जिस दौरान आज़ाद मोबाइल के बारे में पूछने गया था उस वक्त मोहम्मद जमाल सो रहा था और जगाने की वजह से मोबाइल को लेकर गुस्से में आ गया और दोनों में कल सुबह सुबह ही इसको लेकर विवाद हो गया। उस वक्त स्थानीय लोगों ने किसी तरह से विवाद को शांत कराया, मगर शाम के समय फिर मोहम्मद जमाल और आज़ाद में मोबाइल को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर मोहम्मद जमाल ने आज़ाद को चाकू मार दिया। सूचना मिलने पर डायघर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और आज़ाद को तत्काल बिलाल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आज़ाद के 5 बच्चे हैं और परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल भेज दिया है और आरोपी जमाल रईस खान को गिरफ्तार कर लिया है।